बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉ फ्रॉम हाइट h. Simultaneously, another body of mass 2m is thrown vertically up such a velocity v that they collide midway में collide कर जाएं इस तरीके से. तो पहले तो हम relative motion लगा देंगे. यहाँ पे time of collision आराम से आ जाएगा. जैसे एक body को यहाँ पे drop किया गया, इसका mass m है. दूसरे को यहाँ से launch किया गया, ये 2m है. यहाँ पे कितना velocity v से. अब इनका height, इनके बीच में separation कितना है, h है. अगर हम रिलेटिव मोशन लगा दें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस जी, तो जीरो हो जाएगा वो. तो वेलोस यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, अब हमारा एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो आप सीधे निकाल लो टाइम कितना लग जाएगा, h अपॉन में v इस तरीके से. तो h बाय v हमारा यहाँ पे टाइम आ गया. और इन्होंने ये भी बोला है कि टक्कर हो कहाँ रही है, टक्कर हो रही है मिडवे में, यहाँ पे मतलब h बाय 2 पे हो रही है. तो टाइम हमारा ये आ गया. इस तरीके से अब हम इसकी वी निकालने वाले हैं. तो आप ये देखो, यहां पे यहां तक आते आते 2m वाला, इसकी कुछ वेलोसिटी वी टू हो जाएगी और इसकी कुछ वी वन हो जाएगी. अब देखिए, यहां से अगर डायरेक्टली टाइम निकालते तो क्या आता, t इज इक्वल टू कितना, देखिए आप h बाय टू इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. टी का वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, हाफ जी एच स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. तो यहां से एच एच कट गया इस तरीके से, टू टू कट गया. अब देखो आप v का वैल्यू कितना आ रहा है, h का एक ही काटिएगा है ना, एक पावर काटेंगे तो v हमारा रूट जी एच आ रहा है इस तरीके से. मतलब v का वैल्यू आ गया हमारा रूट जी एच. अब ये हमें v का वैल्यू मिल चुका है. अब आप देख लो यहाँ पे कि इतने टाइम में, ये जो टाइम है कि टक्कर होने से पहले इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इस वाले का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इधर इधर ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस नहीं बचा है. m वाला जो है h बाय टू पे गिरेगा, तो इसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था और फाइनल वेलोसिटी कुछ वी टू निकाल लेते हैं टक्कर होने से जस्ट पहले, तो वी टू कितना आएगा, वी टू इज इक्वल टू रूट टू जी एच लगा दो आप, रूट टू जी एच बाय टू इस तरीके से. तो आप देखो यहां से कट गया इस तरीके से, तो रूट जी एच आया हमारा से, सिंपल है. अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी यहां पे हमने बी टू ले लिया है, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लेंगे वो तो, फाइनली आराम आंसर आ जाएगा इस तरीके से. अब इसका वी वन निकालना है कोलिजन होने से पहले, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v था और माइनस gt कर दो आप, तो इनिशियली कितना था रूट जी एच और माइनस gt, t हमारा आ चुका था, t हमारा खुद कितना है h बाय v है. तो आप यहीं से कर लो, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, v माइनस g और टाइम हमारा h बाय v है और v का वैल्यू हमारा कितना है, तो ये हमारा आप देखोगे v रूट जी एच है. इसे सॉल्व करेंगे तो जी एच अपॉन में कितना, ये रूट जी एच है, तो जीरो आ रहा है. मतलब कोलिजन जैसे ही हो रहा था तो आपका क्या हो गया था, 2m वाला s पे आ चुका था और इसकी वेलोसिटी ये गेन कर चुका था. अब एलएमसी लगा दीजिए, एलएमसी कैसे लगेगा, ये अगर हम देखें तो m वाला टकराते टाइम इसकी स्पीड v2 हो चुकी थी कितनी, रूट जी एच, और 2m वाले की कितनी हो चुकी है, वो तो जीरो हो चुकी है. अभी बोल रहा है कि द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ कोलिजन विद द ग्राउंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, मतलब आप देखोगे इसकी वेलोसिटी इतनी है तो टोटल सिस्टम की कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इतनी तो टोटल सिस्टम की कितनी हो जाएगी, m v2 प्लस 2m इनटू में जीरो कर दो आप, और पूरा सिस्टम जब स्टिक कर जाएगा 3m v कर दो आप, v डैश कर दो, तो v डैश कितना हो गया, v2 बाय 3 हो गया. तो यहां पे कितना हो जाएगा, v डैश इज इक्वल्स टू gh बाय 3. अब नीचे आते टाइम देखिए एच बाई टू और गिरेगा, ये एच बाई टू अब और गिरेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो कितना हो जाएगा ये v स्क्वायर, u स्क्वायर हमारा gh बाय 9 प्लस 2g इंटू में h कर दो आप, h बाय 2 गिर रहा है, तो यहाँ पे आप देखो तो 10 बाय 9 का कुछ टर्म बन रहा है, इसका रूट ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा,
द करेक्ट आंसर इज डी,